तो ये है दोस्तों प्लैनेट हॉलीवुड, जिस होटल में हम रुके हैं, और ये है इसका स्टैंडर्ड रूम। और काफी रात हो गई चेक इन करते करते, बिकॉज होटल की पार्किंग और होटल का चेक इन काफी दूर है। यहाँ से आप देख सकते हो पूरी की पूरी लास वेगास स्ट्रिप यहाँ से दिखाई देती है। और ये है कॉस्मोपॉलिटन होटल इस तरफ, और ये है बेलाजियो, और ये है यहाँ का इस होटल रूम का बाथरूम। जैसा कि आप देख सकते हो काफी स्पेशियस है, एंड आई लाइक द पैटर्न्स हियर। Like that. It's subtle coloring here. This is the 25th floor, और काफी नीचे जाना पड़ेगा। कांच थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है देखना, बट एक बार नीचे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार होटल है ये, और देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। हालांकि इस समय हम काफ़ी लेट आए, हमारी फ़्लाइट काफ़ी लेट हो गई थी, और ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं रात के, लेकिन ये शहर मुझे लगता है कि शायद ये कभी सोता ही नहीं है, और उतनी ही रौनक, उतनी ही चहल पहल और उतनी ही चमक दमक दिखाई दे रही है। सड़कों पे लोग आ जा रहे हैं, खरीदारी चल रही है, खाना पीना कर रहे हैं। तो चलिए साथ में बने रहिए, अभी दिखाते हैं आगे आगे। अभी हम जा रहे हैं बेलाजियो की तरफ, जो कि इस तरफ है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो ये बेलाजियो होटल है, जो फेमस होटल है हैंगओवर में, शायद आपने देखी होगी। और ये MGM ग्रैंड होटल और मैंडले बे बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। तो हम नीचे पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सड़क से। ये है लास वेगास का मेन स्ट्रिप, और हम रुके हैं यहाँ पे प्लैनेट हॉलीवुड में। और मेरे साथ बने रहिए, ये पेरिस होटल है जिसके बिल्कुल बगल से हम, और ये आप देख रहे हैं ये आइफल टावर है इस ग्लोब के ठीक पीछे। आप देख सकते हैं आइफल टावर, और ये है वो फेमस फेमस बेलाजियो होटल। और वो है उसके ठीक बगल से सीजर्स पैलेस। इसको मैं रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 ओवरऑल। हॉस्पिटैलिटी क्लीनलीनेस में 3, स्टाफ चेक इन एंड अदर प्रोसेस में भी 3। तो ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस रहा, इसीलिए मैं इसको इतना लो रेट करूँ।